अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच मेरी व्यूअर्स वीडियोस को लाइक करने का, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, थैंक यू सो मच जी। हम लोग गए थे बाहर, अपने बेटे को हमने ट्रीट दी थी, तो हम लोग बाहर गए थे खाना खाने के लिए। तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी थोड़ा सा खूबसूरत सा मंज़र अपने बादलों का और अपना व्यू दिखा दूँ आपको भी, तो इसलिए मैंने कहा चलो, इतने खूबसूरत बादल आए हुए हैं, कर्ली कर्ली स्काई हुआ हुआ है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को अपने साथ ले चलती हूँ। थोड़े थोड़ा सा वीडियो डाला था हमने, और मैंने वीडियो बनाई थी, और थोड़ा सा हाईवे से हम लोग घर जा रहे थे, तो बादल इतने खूबसूरत है इसलिए मैंने क्लिप बना लिया। हम लोग रेस्टोरेंट गए थे खाना खाने के लिए, बहुत मज़ा आया था मेरे बेटे को, और खाना बहुत मज़े का होता है यहाँ का। तो हमने खाई थी चिकन और राइस, और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया था। ये मेरा एक दिन पहले का क्लिप है, और ये मैंने दूसरे दिन बनाया था चुकंदर गोश्त होममेड रोटी के साथ। आई होप आप लोगों को ये भी डिश ट्राई करेंगे और पसंद आएगा। इसको हम काट लेंगे और बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, मैं अपने चॉपर में चॉप करूंगी, आप अपने पास हाथ से कर सकते हैं, आपको कद्दूकश करना है आप वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। हमारे यहाँ ऐसे ही करके खाते हैं तो उनको अच्छे लगते हैं मेरे हस्बैंड को, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी। मैंने इसमें थोड़ा सा गोश्त लिया क्योंकि मैया गोश्त इतना बच्चे पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड के लिए मैंने थोड़ा ही गोश्त डाला है। आपको मैं हाफ पाउंड की, 1 पाउंड के हिसाब से बता दूंगी। इसमें ये 1 पाउंड ही ये हो जाएंगे चॉप होके, तो 1 पाउंड चुकंदर, तो 1 पाउंड ही आप गोश्त लीजिएगा। तो इसमें हमने 1.5 टीस्पून मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर डाला है, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है, क्यूमिन पाउडर 1.5 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें टर्मरिक पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1/2 टीस्पून ये एंड में जाएगा गरम मसाला पाउडर, 1/2 कप हम ऑयल लेंगे, 1 हैंडफुल हमारे पास हरा धनिया है ये भी एंड में जाएगा, और 1 मैंने इसमें वो हरी मिर्च डाली हुई है आखिर में, ये भी आखिर में डालेंगे हम। 3 टेबलस्पून मेरे पास फ्राइड अनियन है, आपको वैसे आपके पास फ्राइड अनियन ना हो तो आप छोटा सा एक अनियन ले लें और उसको फ्राई कर लें उसके अंदर ही तेल में डाल के, फिर आप बाकी सब चीज़ें डाल दीजिए। टमाटर मैंने 3 लिए हैं, मेरे पास बड़े बड़े टमाटर हैं तो मैंने 3 लिए हैं, आपके पास छोटा टमाटर हो तो आप 4 या 5 ले सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े चुकंदर होंगे तो 5 ही टमाटर सही रहेंगे, क्योंकि बड़ा है टमाटर तो आप 3 ले लें वो काफ़ी है। तो मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी टमाटर्स को, और फिर क्योंकि मैं इंस्टेंट पॉट में बना रही हूँ जी, तो ये हम बनाएंगे इंस्टेंट पॉट में, और मैंने चुकंदर लिए हैं और मैंने चॉपर में ब्लेंडर में, मेरे पास ब्लेड था ये मैंने अलग से लिया था, इसमें मैंने इसको ब्लेड से वो कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से बहुत हार्ड होते हैं चुकंदर, तो इसलिए मैंने इसको ब्लेड में किया था, मैंने छिलके उतार के इसको धो लिया था चुकंदर को, और फिर हमने इसको छोटे छोटे मैंने दिखाऊंगी मैं, ये देखिए मैं किस तरीके से काट रही हूँ, इस तरीके से मैंने इसको काटा था, और फिर मैंने इसके अंदर क्यूब्स में डाल के इसको मैंने ब्लेड कर लिया था। तो अभी मैं आपको 2 वो भी दिखाऊंगी कि मैंने किया कैसे, 2 तरह के मैंने किया था, एक चाहे तो आप इसमें आप कद्दूकश भी कर सकते हैं, श्रेडेड भी कर सकते हैं, और आप इसमें चाहें तो क्यूब्स की उसमें करके, और वो छोटे छोटे क्यूब्स बन जाते हैं वो भी, उस तरीके से भी आप इसको काट सकते हैं। मेरे पास ये वाला ब्लेड था इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया, आपको हाथ से करना है तो आप हाथ से कर लीजिएगा। ये देखें ये इस तरीके से मैंने काट लिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इसी तरीके से खाए जाते हैं, मेरे हस्बैंड को ऐसे पसंद है, लेकिन मेरी अम्मी जब बनाती थी तो वो इस तरीके से करती थी, काटती थी, और मुझे इसी तरह के अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड जी को दूसरे तरीके के पसंद आते, इसलिए मैंने उनकी तरह का उनकी पसंद का वो कर लिया है। मैंने टमाटर को भी ब्लेंड कर दिया है, ब्लेड कर दिया, चॉप कर लिया है, और मैं इंस्टेंट पॉट में बना रही हूँ, तो मैं इसको सौते मोड पे करके और फिर स्टार्ट कर दूँगी। इसे मैंने ऑयल ले लिया है 1/2 कप, लहसुन अदरक डाला है 1.5 टीस्पून, उसको मैं भूनूँगी,
और फिर उसके बाद मैं इसमें मसाले डालूंगी सारे और अच्छे तरीके से बनाऊंगी। आपको वैसे रेगुलर बनाना है तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। मैंने जो है वो इंस्टेंट पॉट में बनाया है क्योंकि यहाँ के थोड़े से हार्ड होते हैं। मेरे पास पालक नहीं थी, वरना आप इसमें पालक के पत्ते भी डाल सकते हैं अगर आपके पास चुकंदर के पत्ते ना हो तो। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है हम लोगों को, तो इसलिए मैंने ऐसे ही बना लिया था और बहुत ही मज़े का और यम्मी यम्मी सा बना था ये। आई होप आप लोग ट्राई करेंगे और घर वालों को वो तो बहुत पसंद आएगा ये जी। तो मैंने इसमें लाल प्याज डाल दी थी, अगर आपके पास लाल प्याज ना हो तो एक छोटी सी आप अनियन ले लें, स्मॉल मीडियम साइज़ की अनियन सॉरी ले लें, और उसको आप हल्का सा ब्राउन कर लें, लाइट ब्राउन, और फिर आप उसमें लहसुन डाल के, और फिर मैंने ये देखें गोश्त डाल दिया है, उसको अच्छे तरीके से इसका कलर चेंज कर रही हूँ, और फिर जब कलर चेंज जाएगा तो हम इसमें मसाला डाल देंगे। मेरे पास गोश्त थोड़ा सा था, इस ज़्यादा नहीं लिया था क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादा गोश्त पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने गोश्त कम डाला था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रेसिपी जो है वो 1 पाउंड गोश्त और 1/2 पाउंड चुकंदर की दे रही हूँ, जो कि मिर्चें मसाले अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, स्पाइसेस जो हैं क्योंकि हम बच्चे भी खाते हैं मेरे घर में, तो इसलिए मैं कम ही डालती हूँ। ये माशाल्लाह मेरी छोटी बेटी भी खाती है, 4 साल की है माशाल्लाह से, वो भी खाती हैं तो उनको भी अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें। और ये तो बहुत ही चुकंदर अच्छे होते हैं, खून की कमी को कमी कम करते हैं ये जी। देखिए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून पानी भी डाल दिया था, और फिर मैं अब इसको भून रही हूँ गोश्त को अच्छे तरीके से। देख कलर चेंज हो चुका है गोश्त का, और अब हम इसमें टमाटर जो मैंने ब्लेंड किए थे, चॉप किए थे, वो डाल देंगे हम इसमें और फिर भूनेंगे। ये देखिए जी, तो फिर हम इसको भूनेंगे। अभी भी सौथे मोड में, और आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी भी कि अभी कितना मिनट इसमें बाकी है। तो ये सौथे मोड में ही मैं इसको बना रही हूँ सब कुछ, और अभी जो गोश्त जो है वो कच्चा है, तो भाई हम सिर्फ उसको मसाले को भून रहे हैं उसमें। तो अम्मी, हमारी अम्मी तो खैर ऐसे ही बना लेती थी, और उस ज़माने में जब हम छोटे थे, अभी भी खैर इतने कोई बुढ़े नहीं लेकिन उस टाइम हमारे वो अम्मी तो खूब सिलबट्टे पे और उस पर करती थी। लेकिन खैर अब तो सब कुछ आ चुका है, तो कद्दूकस भी आप उसमें कर सकते हैं। देखिए मैंने चुकंदर भी डाल दी है इसके अंदर, और फिर मैं इसको फिर से भूनूंगी, क्योंकि जितना आप भूनेंगे उतना ज़्यादा अच्छा और मज़े का यम्मी यम्मी सा खाना बनेगा, वरना कच्चेपन की स्मेल आएगी और फिर खाना मज़े का नहीं बनेगा, और आपके घर वाले बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। अगर आप भून के बनाएंगे तो फिर सब कहेंगे वाह वाह क्या खाना बना है जी हाँ। तो आप इसको अच्छे तरीके से भून लें, जब इसका भी देखें ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कुछ पानी नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर में टमाटर का पानी छूटेगा, थोड़ी देर में अभी इसके अंदर चुकंदर अपना पानी छोड़ेंगे। ये देखें अभी 18 मिनट्स बाकी हैं, ये अभी सौथे मोड पे ही है स्टिल, और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम भून के फिर हम इसमें पानी डाल के और फिर इंस्टेंट पॉट पर रखेंगे, और ये बहुत मज़ेदार यम्मी सा खाना बनता है। और देखिए हम इसको भून रहे हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, हमारी अम्मी के पास एक तोता भी होता था, और इतना फ़नी वो तोता था, हमारे अब्बा ने उसको इतनी प्यारी प्यारी बातें कल में कितनी चीज़ें सिखाई थी, लेकिन वो हमेशा सिर्फ वो हम दोनों बहनों, हमसे दो बहनें हैं तो हम दोनों बहनों का ही नाम लेता था, और जैसे ही हमारी अम्मी किचन में जाती थी और उसकी आवाज़ें शुरू हो जाती थी कि भाई उसकी समझ में आ जाता कि हाँ अभी ये लोग आ गए किचन में, कोई ना कोई अब खाना ज़रूर देगा, बनेगा रोटी बनेगी, अब उसको पता चल जाता था, फौरन आवाज़ें लगाता था वो। और हमारी अम्मी भी खूब वो करती थी उसके साथ, और बहुत ही वो चटोरा था, खूब हरी मिर्चें खाता था जी। तो मैंने इसमें एक कप पानी डाला है, और फिर मैं इसको सौथे मोड से हटाकर मैं इसको स्टेक बीफ के मोड पर रख दिया है, और फिर मैंने इसको टाइमर्स का थोड़ा अपने हिसाब से कम करके 20 मिनट पर लगा दिया है मैंने इसको, और कुकर प्रेशर कुकर बंद कर दिया है, और फिर हम इसको देखें तैयार, वो अब ये स्टार्ट हो गया है और ये 25 मिनट का टाइमर है। तो फिर इसके बाद अब हम इसकी जो है 25 मिनट के बाद ये हो गया है डन, इसका टाइमर भी ऑफ हो चुका है, मैंने आपको दिखाया है गूगल पे, और इसकी स्टीम हमने निकाल ली है, और ये देखें बिल्कुल यमी सा मज़ेदार सा सब कुछ गल चुका है इसके अंदर, बस इसमें अब पानी है, तो अब इस पानी को हम सौथे मोड पे दोबारा से करके और फिर से हम इसको उस पे चलाएंगे ताकि ये पानी जो है वो ड्राई हो जाए, सूख जाए।
और ज़्यादा पानी नहीं रखेंगे और भुन भुन भुनावा हो जाए, भुन भुन नहीं हो जाए, भुनावा हो जाए तो अच्छा मज़ेदार सा हो जाए। तो जितना हम इसको वो करेंगे उतना ये भुनेगा और पानी ड्राई होगा और तेल ऊपर आएगा। तो तेल ऊपर आ जाए तो फिर थोड़ा सा पानी इसमें हो जाए तो फिर इसमें हम गरम मसाला डालेंगे और फिर उसके बाद हरी मिर्च डालेंगे और सबसे एंड में हम हरा धनिया डालेंगे जो मैंने 1 हैंडफुल लिया है हरा धनिया जी। तो हम इसको अच्छे तरीके से भून रहे हैं, ये भुन जाएगा तो फिर हम जनाब जी इसके अंदर चीज़ें डाल देंगे। और जनाब जी थैंक यू सो मच मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं तो ऐसे ही प्लीज़ करते रहें और शेयर भी करते रहें ताकि सब लोगों को तो मेरी वीडियोस मिल जाएं और जिनको खाना पकाना नहीं आता वो भी सीख लें, मेरी छोटी सी ट्राई कर लें। देखिए मैंने गरम मसाला भी उसमें डाल दिया था, हरी मिर्च भी डाल दी थी और मैंने पतीली में निकाल दिया है इसको। और बस अब मैं इसको थोड़ा सा और इसका पानी ड्राई करके और इसका तेल का वेट कर रही हूँ, ऑयल ऊपर आएगा और फिर इसमें हम हरा धनिया डाल के दम पे रख देंगे 5-10 मिनट के लिए। देखिए हरा धनिया मैंने डाल दिया है, 5-10 मिनट के लिए मैं अब इसको दम पे रखूँगी और फिर ये देखिए कितने मज़ेदार सा यम्मी सा चुकंदर गोश्त तैयार है और बहुत ही मज़े का लग रहा है जी। तो मैंने इसके साथ बनाया था, साथ में हाथ की रोटी बनाई थी और सबको बहुत पसंद आती है। अपने लिए मैंने रोटी में तेल नहीं लगाया था लेकिन बच्चों के लिए मैंने पराठे बनाए थे और बच्चों को बहुत पसंद आई थी हर चीज़ जी। तो मैंने ये सब चीज़ें इसको मैंने रोटी को ऐसे बेल लिया है और फिर मैं तवे पर डाल दूँगी और बहुत ही मज़े की नरम नरम सी रोटी बन जाएगी। हाँ तो मेरी अम्मी जब भी रोटी बनाती थी तो हमारा जो तोता था वो फ़ौरन समझ जाता था और वो इतना चटोरा होता था तोता हमारा कि वो हरी मिर्चें खाता था। मैं चौक बार हमने एक दफ़ा आइसक्रीम वाला आया था हमारे घर के बाहर पाकिस्तान में, तो वहाँ पे उसने मैंने चौक बार ली तो उसको ज़रूर खानी थी तो उसको मैंने चटाई तो उसने ज़बान से चाट रहे थे उल करके इतने मज़े से उन्होंने खाई वो चौक बार कि उनको बहुत ही मज़ा लगा। देखिए कैसे फूल रही है मेरी रोटी, जितनी खुशी हो रही है कि रोटियाँ फूलती हैं तो बहुत अच्छी मज़ेदार। ये मैं पाकिस्तान से लाई थी तो, और जब पाकिस्तान गई थी तो वहाँ से मैं लेकर आई थी। रोटी के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें रोटी गरम गरम रहती है। देखिए मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ पराठे, इसके अंदर मैंने ऑयल लगाया और थोड़ी सा आटा लगाया और मैंने तिकोनी एक बनाई थी रोटी उनके लिए पराठा और एक मैंने स्क्वायर पराठा बनाया था, उनको बहुत पसंद आता है। मुझे भी बहुत अच्छे लगते थे अपनी अम्मी के हाथ के पराठे, स्क्वायर और तिकोन और गोल बनाती थी लच्छेदार पराठे, बहुत ही मज़ेदार होते थे और अच्छा लगता था। ये देखिए तिकोन शक्ल का बना पराठा, एक स्क्वायर शक्ल का बनाया मैंने पराठा और अच्छा बना था, मज़े का नरम नरम सा और बहुत ज़्यादा ही वो। यहाँ पे तो आजकल ऐसा अजीबोगरीब वेदर हो रहा है कि कभी सर्दी हो जाती है तो कभी गर्मी हो जाती है, आज फिर से गर्मी शुरू हो गई है यहाँ पे कि सुबह मेरा बेटा जाता है स्कूल तो वो जनाब जी जाते हैं उसमें जैकेट में और जनाब जी वापस आते हैं तो ऐसे ही आते हैं। देखिए मैंने ये मफ़िन भी बनाए थे, एप्पल मफ़िन बनाए थे 2 दिन पहले और चुकंदर गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। और मेरी वीडियोस लाइक करने का थैंक यू सो मच, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, ट्राई ज़रूर करिएगा।